इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। पूरे देश में एहतजाज चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत में हुकूमत तब्दीली के आसार बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर किसान मुखालिफ बिल को लेकर पंजाब हरियाणा में आज भी एहतजाज हो रहा है। मोदी हुकूमत से पूरा देश परेशान होने की बात कही जा रही है। वैसे तो किसान मुखालिफ बिल को लेकर देश भर में एहतजाज अब भी जारी है, पर हाथरस असमत रेजी मामले को लेकर एहतजाज बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। योगी मोदी हुकूमत बचाव करने की कोशिश तो कर रही है, पर अवाम का सवाल यह है कि आखिर अब तक मोदी हुकूमत ने इस देश को सिवाय मुसीबतों के दिया क्या है। कई इल्मी दानिशों का कहना है कि मोदी हुकूमत सिर्फ चंद मुट्ठी भर अमीरों की सरकार है, जो गरीब की रोटी भी छीन कर इन अमीरों की झोली में डाल देती है। वैसे तो मोदी ने पहले यह बात कह दी थी कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाए चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री आप तो चले जाएंगे, पर देश के 130 करोड़ आवाम का क्या होगा, ऐसा सवाल भी जनता की जानिब से पूछा जा रहा है। आवाम का यह भी कहना है कि मजहबी नफरत फैलाकर बार बार देश की जनता के असल मसलों से जहन को भटकाया जा रहा है। अब जबकि देश में मौजूदा मोदी हुकूमत को लेकर सख्त नाराजगी है, तो अब फिर इसे गोदी मीडिया के जरिए फिर एक बार ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब नई खबरें चलाई जा रही है कि मजहबी फसादात हो सकते, पर आवाम का कहना यह भी है कि इख्तदार में बैठे हुए ही नफरत का खेल खेलते हैं, झूठे मुकदमे और सत्ता से सवाल पूछने पर जेल में या तो फिर गोली से मार दिया जाता है। फसादात की तवील तारीख तो इन्हीं के नाम रकम की गई है, तो फिर आखिर यह झूठ गोदी मीडिया के जरिए फिर एक बार अवाम को नफरत की आग में झोंकने का मंसूबा तो नहीं, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। देश में अक्सर रियासतों में भाजपा की ही हुकूमत है, मरकज में मोदी हुकूमत। जब से इख्तदार पजीर हुई है, देश को सिवाय परेशानी, बेबसी, लाचारी, गरीबी, महंगाई के और कुछ हासिल नहीं हुआ है, ऐसा एहतजाज करने वालों का कहना है। बेलगाम शहर में आज डीसी कंपाउंड दलित तंजीमों से भरा हुआ था और मोदी योगी हुकूमत के खिलाफ सख्त अल्फाजों में मजम्मत की जा रही थी। यूपी पुलिस योगी हुकूमत मोदी की सांप्रदायिक इनके फिरका पर सोच फिक्र वाली हुकूमत के खिलाफ आवाम का गुस्सा देखा जा रहा था। दलित तंजीमों का कहना यह रहा कि मोदी योगी सिर्फ धर्म, जात पात, नफरत की राजनीति कर इख्तदार हासिल कर रहे, लिहाजा इन्होंने हमेशा दलित, मुस्लिम और दीगर पिछड़े तबकों पर मजालिम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हाथरस की मनीषा वाल्मीकि महज एक हादसा नहीं है, बल्कि दलित पिछड़ों की बेटियों पर जुल्म ज्यादती की एक नई दास्तान मोदी हुकूमत रकम करने जा रही है। दलित सेना, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेलगाम जिला वाल्मीकि नायक समाज, अखिल कर्नाटक वाल्मीकि समाज, कर्नाटक राज्य परिशिष्ट समाज, सरकारी मुलाजिम संघ जय भीम बहुजन युवा संघ और जमात इस्लामी हिंद बेलगाम, कर्नाटक वंचित बहुजन आघाड़ी के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत फरमाई थी। दलित बेटियों की असमत रेजी की बढ़ती वारदातों के लिए मोदी योगी हुकूमतें जिम्मेदार है, लिहाजा योगी हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए फौरी तौर पर इस्तीफा दे दे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा कि ब्राह्मणवादी मनुवादी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इत्तेहाद की ताकत जरूरी है। तमाम बहुजन मूल निवासियों को मुत्तहिद होकर मनुवादी हुकूमत को मुल्क से बेदखल करना होगा। दलित तंजीमों की जानिब से आरएसएस की देश विरोधी विचारधाराओं पर भी बात कही गई और संविधान यानी दस्तूर हिंद को तब्दील करने की कोशिश हिंदुत्ववादी मोदी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लिहाजा इस मुल्क का दलित पिछड़ा वर्ग अकलीती तबका इससे कतई ऐसा होने नहीं देगा। भारत के संविधान के लिए, दस्तूर हिंद के तहफ्फुज के लिए बहुजन समाज जान की बाजी लगा देगा। अपना मुतालबा डीसी को ही देने पर कुछ तंजीमें अड़ी रहे, काफी देर तक पुलिस मोहकमा से बहस भी हुई। आज के तमाम एहतजाज पर और हाथरस मामले को लेकर इन्होंने क्या कहा, इस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। नोड्री अवरदो ई मनुवादी जनर उद्देशने अदे ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರನ್ನ ತುಳಿದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನ ತುಳಿದು ಇವರು ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮನುವಾದವನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರು ಆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗದ ಇವತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ, ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರು ಆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಯು ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ,
ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಯಾರು ಒಬ್ಬಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಯೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಖಾಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸವರ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯುವಕರು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿದು ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಸತ್ತಳೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೋದಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಸರ್ಕಾರ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಇರಲಿ ಜೋಗಿ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಂಚಿತ ಬಹುಜನ ಆಗಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಆಗಾಡಿ ಇಂದ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಕೋಳೆ ಈ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಲಾತ್ಕಾರತೆ ಅಸೆ ಏಕ್ ಜಾವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಸಿ ಹೋತ್ ನಹಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಮಾಜದಿ ತಾಕರ ಹೇ ತೋ ಪರ್ಯಂತ ತಾಕತ್ ಜಾಕೋತ್ ನಹಿ ತೋ ಪರ್ಯಂತ ಹೇ ಚಳವಳ ರಾಹಣಾರಚ್ ಕಾರಣ ದಲಿತಾಂಚಿ ಕಿಂವಾ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏಕಚ ನಹಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂಜೆ त्यांच्या आई बहिणी सारखी असते स्त्री म्हणजे एकच आहे किसी भी समाज की बेटी की इज्जत के साथ जो खेला जा रहा है बड़ा अफसोस होता है कि भारत देश में बेटी जो है सुरक्षित नहीं है किसी भी जाति या धर्म की बेटी की इज्जत जाना उसकी घर की इज्जत नहीं बल्कि भारत देश की इज्जत जाने के बराबर है मेरे पूरे देश के भाई बहनों दलित माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि आज के इस आपके माध्यम से कि आइए इस देश में भाजपा मोदी जब तक आया है हम उनसे हमारा पूरा समाज नुकसान और खतरे में है इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि माइनॉरिटी लोग माइनॉरिटी भाई बहनों दलित भाई बहनों आप सब यूनिटी करो एकता बनो और इनके खिलाफ लड़ो और इनको भगाना है और हम अगले सत्ता परिवर्तन के लिए हम सब एक होकर इस सत्ता परिवर्तन के लिए हम सत्ता परिवर्तन करेंगे एक होंगे इस देश को बचाएंगे हमारे दलित भाई बहनों को बचाएंगे शहर हाथरस में जिला हाथरस में एक दलित लड़की के ऊपर जिस तरह से भयानक अत्याचार हुआ है उस पर जुल्म हुआ है उसकी आबरूरेजी की गई है और उसके बाद उसकी हत्या की गई इसकी हम सब यहाँ पर निंदा करने के लिए जमा हुए हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को बुक किया जाए उनको सज़ा दी जाए और दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि समाज के कुछ पावरफुल और सत्ता में इसके साथ दोस्ती रखने वाले लोग जो है इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि पीड़ित के परिवार पर दबाव लाकर लाने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए बड़े खतरे की बात है आज के दिन हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट दलित सेना और मानव बंधुत्व वेदिके के जानिब से हम आज जिलाधिकारी के तरफ से राष्ट्रपति को निवेदन देने आए हैं कि देश में जो शर्मनाक घटनाएं घट रही हैं जो देश की बेटी आज़ाद घूमने नहीं है इस आज़ाद देश में देश की बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश में आधा नंगे घूमने वाली एक हीरोइन को वाई सिक्योरिटी दी जाती है और इस देश की संस्कृति को बचाने वाले गरीब जो औरतें जो माँ बहनें हैं उनको खुले आम रेप करके फेंका जा रहा है और उनके जो फैमिली है उनको सिक्योरिटी देने के बजाय इस देश की पुलिस यूपी की योगी की गुंडागिरी की जो सरकार है जो आम आदमी के ऊपर जो दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ हम आज आवाज़ उठा रहे हैं कि योगी अपनी गुंडागर्दी तुम बंद करो अपनी गुंडागर्दी बंद करो और अगर तुम्हारे हाथ से सरकार चलाना नहीं होता है तो तुम अपने सरकार को राजीनामा दो और अपने घर के चले जाओ और
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का आडलित आने दो और वहाँ का कानून और सुव्यवस्था शांति से जाने के लिए तुम इस देश को सहकार करो। अगर तुम इस तरह हरकतें तुम्हारे राज्य में होते रहेंगे तो पूरे देश में दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी सभी समाज रास्ते पर उतरेगा और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये हम आज आपको चेतावनी दे रहे हैं। जब तक ये चट्टीधारियों की सरकार, यो मनुवादियों की सरकार, हम इसको लात मार कर इनको घर को नहीं भेजेंगे, जब तक इस देश की दलित और मुस्लिम एक नहीं होंगे, इस देश के पिछड़ा वर्ग एक नहीं होगा, तब तक हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जब तक इनको हम घर ना भेजें और जब तक हम एक ना हो। वो सवर्ण इसलिए रास्ते पे उतरे हैं क्योंकि उनके साथ वहाँ का सरकार है, यूपी का सरकार उनके साथ है और इस देश का सरकार भी उनके साथ है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश की सरकार और यूपी की सरकार गुंडागिरी सरकार है, इसलिए इस तरीके के हरकतें इस देश में घट रही हैं। ये जो पूरे देश भर में ये मनुवादियों की सरकार पिछले 7 साल से जब से आई है, तब से हमारे देश में दलित, एससी एसटी और पिछड़े जात मुसलमान के ऊपर अत्याचार होते ही जा रहे हैं। और ये जो परसों की जो घटना थी, घटना हुई है वहाँ पे, उसे उन्हें मार के मर्डर करके उन्हें जिस तरह से हमारे एक दलित बेटी को जलाया है, उसका पूरे देश में हम सब भाई मिलके, एससी एसटी मुसलमान सभी मिलके उसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी जो चड्डी वालों की सरकार है, मनुवादी सरकार है, अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो एक दिन हमारी दलित, एससी एसटी और मुसलमान लोग इस पूरे देश को आग लगा के छोड़ेंगे। इसलिए मोदी सरकार, योगी सरकार, आपको ये चुनौती है मुसलमान और एससी एसटी की तरफ से, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपने बरकरार नहीं रखा और एससी एसटी को अगर न्याय नहीं दिया तो ये जो आगे हो गए घटना होने वाले उसको आप पूरे जिम्मेदार है। जिले जिलाधिकारी मुखातर उत्तर प्रदेश दिल्ली हथरस जिले मनीषा वाल्मीकि इवर मेगे 4 ಜನ ಸುವರ್ಣರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಜೈ ಭೀಮ್ ಭೋಜನ ನಿವಾಸ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ.